राजस्थान में केबल ऑपरेटर्स के लिए ट्राई के नए नियम लागू करने के खिलाफ प्रदेश के तमाम केबल ऑपरेटर्स अब लामबंद हो गए हैं। अजमेर में केबल ऑपरेटर्स के प्रदेश स्तरीय बैठक में ट्राई के फैसले का विरोध किया गया। केबल ऑपरेटर्स ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए एक यज्ञ भी किया, जिसमें कई जिलों के टीवी केबल ऑपरेटर्स ने हिस्सा लिया। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आगामी 24 जनवरी को प्रदेश के तमाम केबल ऑपरेटर हड़ताल पर रहेंगे और सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक केबल का प्रसारण पूरी तरह से प्रदेश भर में बंद रखा जाएगा। केबल ऑपरेटर्स का आरोप है कि भारत सरकार और ट्राई की दमनकारी नीतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केबल ऑपरेटर्स की मांग है कि जल्द से जल्द खुद पीएम मोदी इस मामले का संज्ञान लें और ट्राई के फैसले में दखल देकर केबल ऑपरेटर्स के हित में फैसला करें। ये रहा कि हमने राजस्थान से जो केबल ऑपरेटर बुलाए थे उनके सामने निर्णय लिया है कि भाई अभी गवर्नमेंट को सचेत करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले तो हम एक दिन का बायकॉट करेंगे, सारा प्रसारण राजस्थान में बंद रहेगा एक दिन केबल। और उसके बाद हमने जो ट्राई के नियम के विरुद्ध जो हमने आवाज़ उठाई उसके लिए लेटर जारी करेंगे। राजस्थान के सभी केबल ऑपरेटर्स ने ट्राई के नियमों में बदलाव की मांग रखी है, जिसमें सभी छोटे केबल टीवी ऑपरेटर्स को रियायत देने की मांग रखी गई है। केबल ऑपरेटर्स ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में वो आंदोलन की नई रणनीति तय कर सकते हैं।